इन अभी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आप सबका वेलकम है और मैं हाजिर हूँ एक नया इन्फॉर्मेशन से भरपूर बिल्कुल फ्रेश वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ज़रूरी मालूमात है वो आप अपने ख़ास लोगों के साथ भी शेयर कर सके, उनके साथ बांट सके। तो आज का टॉपिक जान लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी। तो ये थेरेपी क्या है और इस्लाम में इसका जिक्र कहाँ है और कैसे है, तो वो सारी ज़रूरी मालूमात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर, करते हैं बिस्मिल्लाह। खून से जहरीले तत्वों को साफ करने में ज़रूरी मदद करती है हिजामा थेरेपी। इसे अरबी में हिजामा, चीनी और अंग्रेजी में कपिंग, मिस्र में इलाज बिल कर्न और भारत में रक्त मोक्षण नाम से जाना जाता है। हिजामा थेरेपी हजारों सालों से पुरानी यूनानी चिकित्सा पद्धति है। दुनिया के हर हिस्से में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब और आचार्य सुश्रुत ने भी माना है। इससे जुड़े डॉक्टरों के कम होने की वजह से ये ज़्यादा फेमस नहीं है। हिजामा क्या है? हिजामा एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब ये है कि खींच कर बाहर निकालना, यानी कि बॉडी के गंदे खून को बाहर निकालना। हिजामा ड्राई और वेट दो तरह की होती है। इस थेरेपी के दौरान सावधानी की बड़ी ही ज़रूरत होती है, इसलिए इसे जानकारी वाले डॉक्टर से ही करवाएं ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ये थेरेपी अगर एक अच्छा थेरेपिस्ट यानी कि अच्छा डॉक्टर करे तो इसमें कोई जोखिम नहीं है। ये लगभग बिना दर्द वाली थेरेपी है जिसमें इंजेक्शन से भी कम दर्द महसूस होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले कप मेडिकेटेड और डिस्पोजेबल होते हैं और हर पेशेंट में अलग और नए कप का इस्तेमाल होता है। इससे इन्फेक्शन नहीं होता। बचाव के लिए हिजामा के बाद स्किन पर एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन भी लगाया जाता है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई है कि हिजामा सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला इलाज है। बुखारी और मुस्लिम में इस सब्जेक्ट की एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचने लगवाए दोनों मोढ़ों पर और गुद्दी में। कुछ रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर में पचने लगवाए क्योंकि आपके सर में दर्द था, और कुछ रिवायतों में आधा सीसी के दर्द का भी जिक्र आया है। एक रिवायत ये भी है कि पचने लगवाना दवाओं से बेहतर है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मैं मेराज की रात में एक फरिश्ते पर गुज़रा तो उसने कहा कि ए मोहम्मद, आप अपनी उम्मत से पचने लगवाने का हुक्म दीजिए। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि मकसद उस जगह से खून निकलवाना है, चाहे फर्स्ट के ज़रिए या फिर पचने लगवा कर। ज़्यादातर हकीम इस बात को मानते हैं कि फर्स्ट से पचने लगवाना गर्म शहरों में ज़्यादा मुफीद है। ये आधा शीशी के दर्द और भी बहुत सी बीमारियों के लिए भी बेहतर है। हकीम जालिनूस का कहना है कि 40 साल की उम्र तक जिस आदमी को खून निकलवाने की आदत ना हो, उसके बाद खून निकलवाने की आदत उसे न डालनी चाहिए। शरातुल इस्लाम में है कि खून निकलवाना सुन्नत है और हर बीमारी के लिए मुफीद है। नहार मुँह खून निकलवाने में शिफा है और पेट भरे में नुकसानदेह। बुस्तान में है कि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में भी खून निकलवाना नहीं चाहिए। खून निकलवाने के लिए अच्छा मौसम रबी का है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो किसी भी मौसम में निकलवाया जा सकता है। तारीख के हिसाब से 17, 19 और 21 और दिनों के हिसाब से पीर मंगल और जुमेरात बेहतर है। अगर कोई इंसान बुध और शनिचर के दिन खून निकलवाए तो उसे कोई बीमारी हो जाए तो ज़्यादा चिंता ना करे, क्योंकि किताबों में लिखा है कि इन दिनों खून जोश में होता है।
इसलिए नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों अपनी उम्मत को खून निकलवाने से मना किया है। अगर तारीख और दिन हदीस के हिसाब से बराबर हो जाए तो साल भर की बीमारियों के लिए मुफीद है। शरतुल इस्लाम में है कि पचने सर में लगवाना इन 7 बीमारियों में शिफा देता है। एक जुनून, दो कोढ़, 3 सफ़ेद दाग, 4 ऊँग, 5 दांतों का दर्द, 6 आँखों का गुबार और सर का दर्द। उल्मा ने लिखा है कि सर दर्द कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी बुखार से, कभी मुबाशरात से और कभी बहुत ज़्यादा बोलने से भी हो जाता है। इन सब वजह से खून निकलवाना मुफीद है। अबू दाऊद की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोट की वजह से शुरीन मुबारक पे पचने लगवाए। हदीसों का हकीमों का विचार है कि कनपट्टी पर पचने लगवाना से दी गई बीमारियों में मुफीद है, जिसमें सर की बीमारी, कानों की बीमारी, नाक और मुंह की बीमारियां, दांतों की बीमारी और आँखों की बीमारी। खून निकलवाने के बाद 3 दिन तक मुबाशरत ना करने, गुसल करने, पढ़ने लिखने, सवारी पर चढ़ने और ज़्यादा भाग दौड़ का काम करने से बचना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि जो आदमी शनिचर और बुध को पचने लगवाए और उसको सफ़ेद दाग हो तो ज़्यादा चिंता ना करे, क्योंकि ये उसके अपने बेढंगेपन से ही हुआ है। जिन रगों में फर्स्ट लगवाया जा सकता है वो ये है। एक, किफाल। यूनानी भाषा में किनारे को कहते हैं किफाल, और ये रग हाथ के किनारे पर होती है, इसलिए इसे किफाल कहा जाता है। दो, अकदल। बाजू के बीच ऊंची जगह पर होती है। अक्खल। अक्खल यूनानी भाषा में मिली हुई चीज़ को कहते हैं, क्योंकि ये रग किफाल और बा सलीका से मिली हुई होती है, इसलिए इसका नाम अकदल है, अक्खल है। बा सलीक। ये रग जिगर से मिली हुई होती है, इसकी फर्स्ट आज़ाए रईशा के लिए मुफीद है। बा सलीका यूनानी भाषा में बासा को कहते हैं। अपती। ये रग बगल के नीचे से आती है। जल अजरा। जल अजरा ये किफाल के ऊपर होती है। असीलम। ये खंसर और बंसर के बीच में होती है। पाँव की रगे 3 हैं। एक, माबज, ये जानू के नीचे होती है। दो, अरकुनिसा और 3, साफन। जो लोग इन रगों की जांच करना चाहते हैं वो तिब और हिकमत की किताबों में देख सकते हैं। तो ये थी ज़रूरी मालूमात जो हिजामा थेरेपी से रिलेटेड थी और हिजामा थेरेपी के बारे में ही थी। तो आपको बेशक इंशाल्लाह खुशी हुई होगी इस सारी ज़रूरी मालूमात को जानकर। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी हर ज़रूरी दुआ को कबूल करे।